Prime Minister Narendra Modi launched an attack on Congress during his response to motion of thanks just a day after Rahul Gandhi's series of digs at the center. Modi hit back with a 13-point rebuttal to Rahul's 9 attacks. विपक्ष में भी ऐसे तेजस्वी सांसद है और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है, लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा ये चिंता सता रही है। ये इंफेरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो, इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए, इस इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला। Prime Minister Modi spoke on issues including Manrega and blamed the UPA for having destroyed the nation for 60 straight years. He said that the opposition is jealous that the Modi government was trying to make improvements. जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है 100 कारण बताए जाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेर के रखा है। कितनी सटीक बात है ये, 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी। यहां पर कोई भी बात आई से कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है।